साल 2018 बॉलीवुड को कई सारे सदमे दे गया है। एक की मौत के सदमे से बाहर निकले नहीं कि दूसरा सदमा लग जाता है। मराठी और हिंदी फिल्म के एक्टर और डायरेक्टर डॉक्टर हेमू अधिकारी का सोमवार को निधन हो गया है। बॉलीवुड के एक्टर और मराठी डायरेक्टर डॉक्टर हेमू अधिकारी अब हमारे बीच नहीं रहे। उनका 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया। हेमू ने राजकुमार हिरानी की फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई में एक रिटायर्ड टीचर का रोल निभाया था। ये फिल्म क्योंकि गांधीगिरी पर आधारित थी तो हेमू भी फिल्म में संजय दत्त के कहने पर भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए गांधीगिरी का रुख करते हैं। इसके अलावा इन्हें नाना पाटेकर की फिल्म वजूद में नाना के पिता का किरदार निभाने के लिए भी जाना जाता है। आपको बता दें कि हेमू अधिकारी पिछले 1.5 साल से बीमार चल रहे थे। हेमू ने बॉलीवुड और मराठी फिल्मों में काम किया है। उन्होंने 45 नाटक, 14 फिल्में और मराठी हिंदी के 7 TV सीरियल्स में काम किया था। हेमू के परिवार में उनकी पत्नी, 2 बेटियां और 1 बेटा है। आगे भी लगातार न्यूज अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें टॉप 10 न्यूज चैनल को और साथ वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलें।